बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। चिकन टिक्का रेसिपी शेयर करूँगी। चिकन टिक्का बनाने के लिए 1 kg चिकन लिए। चिकन को अच्छे से वाश करके किसी जाली में रखें और जब चिकन ड्राई हो जाए तो फिर इसे मसाले लगाएंगे। मसालों में लिए 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच नमक, 2 खाने के चम्मच टिक्का मसाला, 1 orange food color थोड़ा सा, 2 लीमू का जूस, 2 खाने के चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 खाने के चम्मच हरी मिर्चों का पेस्ट, सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच और 100 ग्राम दही। ये सारे मसाले अच्छे से चिकन को लगाएंगे और कवर करके फ्रिज में रख देंगे। ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 3 से 4 घंटे के लिए रखें, आपके पास जितना भी टाइम हो रखें। 4 घंटे हो गए हैं मैरिनेट किए हुए, अब इसे देंगे स्मोकी फ्लेवर। कोयला गरम कर लें और थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर डालेंगे और 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। कवर करके लो फ्लेम पे 35 से 40 मिनट के लिए पकाएं। बीच में चेक करते रहना है। 35 मिनट हो गए पकते हुए। अब ये जो थोड़ी सी ग्रेवी है ये भी ड्राई कर लेंगे। 4 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल गरम कर लिए, अब इसमें चिकन को फ्राई करेंगे। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें। इसी तरह बाकी का चिकन भी फ्राई कर लेंगे। आसान सी रेसिपी और बहुत ही टेस्टी बनती है, ट्राई करिएगा। इनके दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गए। ग्रिल वाला फ्लेवर देने के लिए 1 मिनट के लिए साइड चेंज करते हुए आग पे पकाएं। कितना अच्छा बना ये फाइनल लुक, ट्राई करिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। खुश रहें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।